भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र में वेस्ली नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मामले में पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के चलते नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। नहीं, इन लोगों ने उसके पीछे पड़ा है, तभी तो वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदा है, तभी तो वो खत्म हुआ है। नहीं तो ये तीन राय सिंह गुर्जर, कोसलन गुर्जर और गंदर गुर्जर नाम के दो तीन कांस्टेबल हैं, जो उस व्यक्ति के पीछे भागे, ये अपना जीवन यापन करता था, गरीब तबके का व्यक्ति था क्या? हम नहीं कर रहे, प्रशासन कंफर्म कर रहा है ना, तो जांच प्रशासन ने अभी कंफर्म नहीं किया। इसका पैर फिसला है कि भाई नदी बह गया है क्या, आने के लिए उतरा था, कौन सी कंडीशन रही है। हमारा ये कहना है, प्रशासन को अवगत कराया था संबंधित मृतक के परिजनों ने कि हमारा व्यक्ति 3 दिन से लापता है, लेकिन प्रशासन ने क्या जिम्मेदारी निभाई हम ये जानना चाहते। गोहद थाना क्षेत्र में कठुआ हाजी गांव के पास स्थित वैसली नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। नदी में शव होने की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव की शिनाख्त 20 वर्षीय भूरा जाटव के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पुलिस द्वारा जुए के फंड पर दबिश दी गई थी, जिसके चलते कुछ जुआरी नदी में कूद गए। परिजनों का आरोप है कि उसी में भूरा भी नदी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका शव नदी में तैरता मिला। भूरा की मौत की जानकारी लगते ही सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और कुछ नेता किस्म के लोग जाम लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की समझाइश पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि मृतक का शव एक कचरा वाहन में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। हालांकि पुलिस द्वारा समझाइश देकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। आज तो हम स्वयं गए थे घूमने के लिए, हमारे साथ एक जना दो तीन पांच जने गए थे, दो गाड़ी गई थी, तब घूमा है। आज आप लोग गए थे? हाँ, तो यहाँ से पुलिस गई है। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था यहाँ से? नहीं है। तो जब ये वहाँ गया था तो किसकी गलती है, किसकी गलती से ये हुआ? आज सर पुलिस वाले से, पुलिस वालों गलती से हुआ, कैसे हुआ है, पूरा मैटर क्या था? वहाँ पर जुआ खेल रहा था, वहाँ पर जुआ खेल रहा था, एकदम जो पुलिस वाले गए पकड़ने के लिए, तो भागा है, कूद गया है, सब कराया गया है। और भूरा उनका नाम है और अपने यहाँ गोवध के रहने वाले थे, और उसमें जो भी RPM रिपोर्ट में आएगी वैसा उसकी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी जो धरना प्रदर्शन जैसे सवाल उठ रहे थे, क्या कुछ हुआ फिर बाद में? नहीं, वो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको समझाई देने पर वो मान गए हैं, और उनको जो भी सहायता है वो उनको मृतक के परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी।